अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको मिस्टर रसेल की एक और नई वीडियो में, जहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिकोशे ने फाइनली आकर रिस्पॉन्स कर दिया, क्या वो WWE छोड़ने वाले हैं या फिर नहीं। इसके अलावा मैस ने रिकोशे की इस ट्वीट पर क्या रिएक्ट किया, फ्राइडे नाइट्स मैगला है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकोशे की, जिनके ऊपर मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी जो डील है वो खत्म हो रही है WWE के साथ साल 2021 में, लेकिन इस खबरों की खुद ही तरदीद कर दी आकर रिकोशे ने, जहां पर उन्होंने इस खबर को फेक कहते हुए यहां पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिस इज द फेक न्यूज। तो सोशल मीडिया के ऊपर आते हुए रिकोशे ने उन तमाम खबरों की तरदीद कर दी जो कि काफी रूमर्स में आए हुए थे कि रिकोशे ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और वो पॉसिबली WWE को छोड़कर जाने वाले हैं। वेल, इसके ऊपर डेव मेल्जर ने भी रिपोर्ट पेश की है, जिन्होंने कहा है कि रिकोशे जब WWE के मेन रोस्टर के ऊपर आए थे तो उन्होंने WWE के साथ फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि साल 2024 में ख़त्म होगा, और जो 2021 वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो WWE का NXT रोस्टर के अंदर रिकोशे का था। और फिलहाल रिकोशे WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है जो कि मजीद अगले 3 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। और रिकोशे की इसी ट्वीट पर यहां पर रेट्रीब्यूशन के मेंबर मैस ने आकर रिस्पॉन्स किया है, जहां पर वो टैग करते हुए रिकोशे को लिखते हैं ही शुड गो टू रेट्रीब्यूशन, के तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए रेट्रीब्यूशन को। वेल, इसके ऊपर अब आपकी क्या राय है कि रिकोशे WWE को तो छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि अगले 3 सालों के लिए वो स्टिल WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, और क्या रिकोशे को अब रेट्रीब्यूशन ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मुस्तफा अली को अपनी कोई सपोर्ट पक्की करनी चाहिए किसी और बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट? आप किस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।